signature pan masala, the taste of victory. आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। नमस्कार, मैं हूं जय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज सबके साथ लगातार। लखनऊ की मुख्य खबरें विस्तार के साथ। जो समाज के निचले स्तर से उसके जीवन को सुधारने का कार्य है, क्योंकि जब आप उसको शिक्षा देते हैं तो उसको सिर्फ शिक्षा नहीं देते, आप उसको आत्मनिर्भर बनाते हैं, आप उसको समाज में सम्मान दिलाते, आप उसको रोजगार दिलाते हैं। जो व्यक्ति अशिक्षा के कारण जो पहले लाइन में लगा था भूखे के लिए, रोगी के लिए, लेकिन जब उसको शिक्षा ग्रहण करके क्षेत्रीय स्वास्थ्य योजना एनजीओ प्रकोष्ठ शैलेंद्र सिंघी जी, प्रदेश की कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी श्रीमती पूजा मिश्रा जी, और आज जिनके संयोजन में ये इतना अच्छा कार्य हो रहा है, ऐसे हमारे लखनऊ महानगर की एनजीओ प्रकोष्ठ की संयोजिका श्रीमती अनीता वर्मा जी, और हम लोगों के बीच में एसआर ग्रुप के अध्यक्ष श्री पवन सिंह चौहान जी भी बैठे हैं, उपस्थित सभी एनजीओ प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता बहनों भाइयों, प्रसूत जी ने बड़े विस्तार से बताया, बहुत लंबी हम सब के गार्जियन यहां बैठे हैं, मैं बहुत समय तो नहीं लूंगा, लेकिन आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया में अगर देखा जाए एनजीओ का जो काम है, गैर सरकारी संगठन का, सेवा के क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी भूमिका अगर 21वीं सदी में कोई निभाने का काम कर रहा है तो हमारे एनजीओ में काम करने वाले सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। और समाज में परिवर्तन तभी आता है, केवल सरकार के चाह लेने से कोई परिवर्तन नहीं आता। समाज में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वच्छता के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, मरीज बस्तियों में जन जागरण का काम करना हो, उन सभी क्षेत्रों में एनजीओ से जुड़े हुए जितने कार्यकर्ता हैं वो सब अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर एजेपी अब्दुल कलाम साहब का जो सपना है 21वीं सदी का भारत विश्वगुरु का बनने वाला है, उसमें अगर सबसे बड़ी भूमिका समाज में किसी की रहने वाली है तो हमारे एनजीओ के क्षेत्र में काम करने वाले बहनों भाइयों आप सबकी रहने वाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो स्वच्छता का मिशन चला रहे हैं पूरी दुनिया में, जो महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत स्वच्छ होना चाहिए, भारत स्वस्थ होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी अब क्षेत्र एनजीओ प्रकोष्ठ के हमारे सभी पदाधिकारियों ने मिलकर क्षेत्र में समाज के सेवा और सेवा के कार्य में उत्कृष्ट कार्य कर रहे लोगों को आज बुलाकर सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर ने किया, एनजीओ प्रकोष्ठ ने। आज के अवसर पर उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनको समाज की तरफ से भी सम्मानित करना चाहिए, समाज के लोग करते हैं, लेकिन हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं तो महानगर इकाई में ऐसे एनजीओ के माध्यम से जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले एनजीओ के माध्यम से सेवा काम करने वाले लोग हैं उनको सम्मानित करने के लिए एक प्रयोग किया है, और सभी ऐसे एनजीओ को हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि और बढ़ चढ़ करके समाज की सेवा करें जिससे समाज का और देश का विकास हो।